varnanam arthasanghanam rasanam chandasam api mangalanam chakartaro vande vani vinayakau namami sadgurum shantam satchidananda vigraham purna brahma paranandam ishamalandi vallabham yontah pravishya mama vachamimam prasuptam sanjeevayatyakhilashaktidharasvadhamna anyaushcha hastacharanashravanatvagadin prananamo bhagavate purushayatubhyam jnanena yogena chakarmana cha bhaktyach sarvasva samarpanena aradhitabhyam shrutimargadakshair Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Sura Sura Sevita Pada Pankaja Kare Virajat Kamaniya Pustaka Videshcha Patni Kamala Sanapriya Saraswati Nrityatu Vachime Sada Namostute Vyasa Vishala Buddhe Fulla Ravinda Yatapatra Netra Yenatvaya Bharata Taila Purnaha Prajvalito Jnanamaya Pradipaha Prapanna Parijataya Totravetraika Panaye Jnanamudraya Krishnaya Gitamrtuduhe Namaha Madhurya Rasakallolam Shivashaktyaika Rupinim Amrutanubhavarthaya Vande Jnanesha Nandinim Yasya Vedamai Vani Yasya Devamai Tanuh Yasya Brahmamai Drushti Sagurupatumam Sada Yogesham Satchidanandam Vasudevam Rajapriyam Dharma Samsthapakam Veeram Krishnam Bande Jagadguru Bhagavati Tavati Re Niramatra Shanoham Vigata Vishaya Trishnaha Krishna Maradhayami Sakala Kalushabhange Svarga Sopana Sange Tarala Taratarange Devi Gange Prasi Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayana Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudirayet Tam Vidyat Dukkha Sanyoga Viyogam Yoga Saudnitam Sanishchayena yoktavyo yogo nirvinna chetasa Sankalpa prabhavan kama styaktva sarvana sheshataha Manasaivendriyagramam viniyamya samantataha Shanai shanai ruparamet buddhya dhruti ghitaya Atma samstham manakritva nakinchidapi chintaye Kurukshetra ki pavan dhara par Anandakanda Paramatma Shri Krishna Swayam Apne atyanta priya sakha Arjun Aur yug yugo mein Usi prakar ki samasyaon se ghirne wale hum jaise samanya log उनको इन समस्त समस्याओं से बाहर निकालने के लिए अविद्या निवृत्ति यही उपाय है इस बात को ध्यान में लेकर उसको अपना आधार बनाकर संपूर्ण जीवन के व्यवस्थापन का मार्गदर्शन करते हैं प्रातः काल में हम लोगों ने देखा इस अपने जीवन के व्यवस्थापन के अंतर्गत यदि इस आत्म संयम का अभ्यास करना है तो आहार के नियमन की आवश्यकता है
कुछ अधिक ही समय हो गया उसमें, लेकिन फिर भी एक दो बातें और भी ध्यान में लेना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि ये जो आहार, उसका एक सीधा सूत्र ध्यान में रखने पर सारी बातें अपनी हल हो जाती हैं। वैसे आहार क्या लिया जाए, कैसे लिया जाए, कब लिया जाए, इन सारी बातों का ऊहा पोह हम बाद में भगवान जब आहार के बारे में विस्तार से बताएंगे तब करने ही वाले हैं। उस विषय को यहाँ पर घुसाने से विषय और बढ़ जाएगा। यहाँ पर भगवान केवल मात्रा के बारे में बोले हैं। युक्त आहार विहार, अति आहार और अनाहार, ये सब भगवान के शब्द हैं। अति आहार को और अनाहार को टालकर युक्त आहार भगवान बतलाते हैं। एक सीधा सूत्र ध्यान में रखने से बहुत सारी बातें ध्यान में आ जाती है। सूत्र ये आयुर्वेद का है। आयुर्वेद शास्त्र ये कहता है जितनी भूख लगी है उससे आधा खाना, एक चौथाई पानी पीना और एक चौथाई अपने उदर का हिस्सा खाली छोड़ देना। वायो संचारणार्थाय चतुर्थम अवशेषये। अब दो ग्रास खाने जितने भी जगह नहीं रही, इतना खाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान में ये रखना चाहिए हम अन्न को खाते हैं कि अन्न हमें खाता है, इसका विचार हमें कभी रहता नहीं। अल्प मात्रा में ग्रहण किया हुआ जो अन्न होगा उसे तो हम पचाते हैं, और अधिक मात्रा में जो अन्न ग्रहण किया जाता है वो हमारी आयु को कम करता है। ये उसका सीधा सूत्र है। और भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, वो फीस लेने पर देंगे। चलो, अगली बात ये है, आहार शब्द का अर्थ हम लोगों ने पूर्व में जो किया था वो यहां पर भी गृहित है। इसका अर्थ युक्ताहार विहारस्य, ऐसा जब भगवान बोलते हैं तब केवल हमारे मुख के द्वारा लिया गया अन्नरूप आहार ऐसा अर्थ नहीं करना। हमारे नेत्रों का आहार है दर्शन, कानों का आहार है श्रवण, हमारी जिह्वा का आहार है बोलना या स्वाद लेना, त्वचा का आहार है स्पर्श, और नासिका का आहार है सूंघना, सुगंधी लेते रहना। जब भगवान योग में चित्त को एकाग्र करने की बात करते हैं और सांसारिक पंच विषयों से चित्त को परावृत्त करके परमात्म वस्तु में एकाग्र करने की बात कहते हैं, तो भगवान को ये भी सुझाना है कि हमारे पंचेंद्रियों के द्वारा लिया जाने वाला यह जो पंच विषयात्मक आहार है उसका भी नियंत्रण किया जाए। टीवी देखना मना नहीं है, कितना देखना इसका विवेक होना चाहिए। संगीत सुनना है मना नहीं है, कितना सुनते ही रहना म्यूजिक इसकी भी एक सीमा है। पांचों इंद्रियों के द्वारा लिया जाने वाला पंच विषयात्मक यह जो आहार है वह भी संतुलित करने की आवश्यकता है। यदि वह संतुलित नहीं होगा
आप बैठेंगे ध्यान के लिए और उसी समय हमारे मन को फुर्सत मिलेगी जिन विषयों में हम पहले रमे थे उन विषयों में वापस मानसिक स्तर पर रमने के लिए, और फिर वह हो जाएगा मिथ्याचार। बाहर से तो मैं ध्यान कर रहा हूं और भीतर से विषयों के गुलगुले खा रहा हूं। भगवान भगवत गीता में पहले ही बोल चुके हैं, कर्मेन्द्रियाणि यस्तिन्द्रियाणि मनसा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। ये मिथ्याचार हो गया। और यदि हमारे ध्यान काल में इस प्रकार का मिथ्याचार हमसे न हो ऐसे लगता हो तो पंचेंद्रियों के इस आहार का भी हम लोगों को नियमन करना चाहिए। छोड़ दो ऐसा भगवान नहीं कहते हैं, लेकिन उसमें बहुमत ये भगवान अवश्य कहते हैं। खाओ नहीं ऐसा कहते नहीं है, खाते ही रहो इसको मना करते हैं। भगवान सर्वदा एक मध्यम मार्ग पर हम लोगों को रखना चाहते हैं। भगवद गीता संतुलन सिखाती है, संतुलन का ही तो नाम योग है, और यह जीवन व्यापी संतुलन हम लोगों में आना चाहिए। एकदम बोलना बंद कर देना ठीक नहीं, बकबकई करते रहना दिन भर वो भी ठीक नहीं। अपनी जिह्वा का, अपने नेत्रों का, अपने इन समस्त ज्ञानेंद्रियों का संयमन हो। युक्ताहार विहार में यह सब अनुस्यूत है। जब इसको ग्रहण करके हम अपने साधन का आरंभ करते हैं तो फिर वह साधन योगो भवति दुखहा, तब बिना कष्ट के हम लोग उसमें लग सकते हैं। और कहां पहुंच सकते हैं? उस स्थल तक जहां पर वो सुख प्राप्त होता है, केवल अंतरंग में बिना विषयों के वह सुख प्राप्त होता है जिस सुख की तुलना संसार के किसी भी अन्य सुख के साथ की ही नहीं जा सकती। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम। इसके पूर्व यल्लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। Really speaking, this is subjective bliss. एक बात जीवन में सर्वदा ध्यान रखनी चाहिए कि जब तक मैं बाहर के पदार्थों पर निर्भर करता रहूंगा तब तक अखंड सुख की प्राप्ति मुझे हो ही नहीं सकती। और हम रोज बाहर के पदार्थों पर निर्भर हैं। अभी देखो बाहर का प्रकाश, इसलिए भगवान शंकराचार्य जी का एक स्तोत्र है, किं ज्योतिस्तव, तुम्हारी ज्योति कौन सी है बताओ बेटा। तो कहा सूरज है ना, वाह। रात्रि में क्या है? का चंद्रमा है या दीप है, और दीपक बुझ जाए तो क्या है। ऐसा करते करते भगवान आचार्य अंत तो गत्वा ले जाते हैं आत्म ज्योति तक। उस एक आत्म ज्योति के ही लिए यह सारा प्रयास है ध्यान रखना। विच डिपेंड्स नॉट, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। संत गुलाबराव महाराज प्रज्ञा चक्षु रहे,
कौन सा बाहर का प्रकाश उन्हें मिला, लेकिन अंतर ज्योति ने उनको इतना मार्गदर्शन किया, इतना मार्गदर्शन किया कि वे स्वयं अंध होकर के भी हम लोगों जैसों का जुग जुगों तक मार्गदर्शन करने जितने महान बन गए। हमें आंखें हैं, केवल आंखें नहीं हैं, आंखों को हम चश्मा भी लगाते हैं, विद्वान है ना। ऐसे लाखों लाखों लोगों का मार्गदर्शन उस नेत्रहीन व्यक्ति ने किया, अंतर ज्योति के कारण किया। गुण व्याघरि घेऊनी जन्म जगद गुरु आला, या बालांधाचा प्रकाश जगती भरला। वे बालांध थे लेकिन उनका प्रकाश सारे संसार को व्याप्त कर रहा है। तो योग हमें वहां तक पहुंचाता है जिस सुख के लिए बाहर के किसी भी आलंबन की आवश्यकता नहीं। यह निरालंब सुख है, यह केवल पूर्णतया आत्मनिर्भर है और इतना श्रेष्ठ है कि बड़े से बड़े दुख से भी वह विचलित होने से बचा देता है। दुख नष्ट नहीं होगा लेकिन दुख का मुझे स्पर्श नहीं होगा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संदितम। बस केवल एक बात है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, एक ही बात गड़बड़ है। भगवान कहते हैं अर्जुन से, सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। साधक का निश्चय पक्का नहीं रहता, आरंभ शूर होता है वह, अरे इतनी बढ़िया बात है, इतनी सरल भी है ना, तो हमें भी कुछ ध्यानाभ्यास करना चाहिए। यह निश्चय करता भी है लेकिन इसका निश्चय दो दिन टिकता है, अधिक से अधिक छह दिन टिकता है और सातवें दिन फिर पिघल जाता है। एक ही बात की आवश्यकता है अर्जुन, बिना उकताए निश्चय के साथ इसमें लगे रहने की आवश्यकता है। अनिर्विण्ण चेतसा, निर्वेद कहते हैं उकताने को, कंटाड़ा आला मराठी भाषा में कहते हैं, उकता गए, ऊब गए। बहुत जल्दी ऊब जाते हैं हम ध्यान करते करते, बहुत जल्दी उब जाते हैं हम माला फेरते फेरते, बहुत जल्दी उब जाते हैं हम गीता पढ़ते पढ़ते। हम कभी नहीं उबे आमरस खाते खाते, और हम कभी नहीं उबे चाय पीते पीते। वो तो प्रातः काल होते ही उसकी याद आती। यदि कहीं कमी है तो इस एक ही बात की कमी है, अर्जुन सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। ये जो निर्वेद शब्द है ना, उक्ताना, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी जब भगवती सीता जी की खोज करने लगे, अब 100 योजनों का सागर पार करके पहुंचे थे, रात भर घूम घूम करके सर्वत्र देख लिए थे,
रावण के भी सारे महलों को देख लिया, भगवती जानकी का दर्शन नहीं हुआ। सौद के ऊपर, छत के ऊपर जाकर के हनुमान जी बैठे हैं, ये बड़ा सुंदर वर्णन है। और शांत चित्त से उस ठंडी हवा में विचार कर रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। और वहां पर उनके मुख से एक वाक्य निकल आता है जो मुझे बचपन से बड़ा प्रिय वाक्य है, अनिर्वेदश्यो मूलम। अरे नहीं, मुझे उकताना नहीं चाहिए, मेरे उकताने से सारा काम बिगड़ जाएगा, मुझे पुनः नए उत्साह के साथ यही काम करते रहना चाहिए। प्रश्न यह है, वहां हनुमान जी के लिए उत्तेजना देने वाला कौन था, समझाने वाला कौन था, उनके निरुत्साह को दूर करने वाला कौन था? कोई नहीं था। बात समझने की है, हमें किस लिए बाहर की व्यक्ति चाहिए? एक बड़ा सुंदर शब्द मैं मेरे छात्र जीवन से पढ़ता आया हूं और अच्छा लग रहा, सेल्फ एनकरेजमेंट। मुझे स्वयं को ही उत्तेजित करना चाहिए। अरे पढ़ो ना भाई, अरे पढ़ो ना भाई, अरे जप करो ना भाई, ऐसा कहने की आवश्यकता जिसके लिए पड़ती है ना, वो बंदा चलेगा तो भी बहुत थोड़ा चलेगा। और जिसके भीतर स्वयं प्रेरणा और स्वयं प्रोत्साहन की वृत्ति जागृत हो गई ना, वो कितना भी चलेगा तो चलता ही जाएगा। हम उकताते हैं कुछ दिनों में, हनुमान जी की याद आई तो समर्थ रामदास स्वामी को भी याद कर लीजिए। गोदावरी के तट पर ताकड़ी के उस स्थान में 12 वर्षों तक, 12 वर्ष का वह नारायण तपस्या करता रहा, रोज जल्दी उठना, सूर्य नमस्कार करना, गोदावरी में खड़े होकर के गायत्री का जप करना, 12 वर्षों में 3 गायत्री के पुरस्चरण और राम नाम का 13 करोड़ जप, भिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, भिक्षा मांग करके खाना, और फिर भी एकाध कीर्तन प्रवचन सुनते रहना, वहां के नासिक के विद्वान ब्राह्मणों के पास जाकर के उनकी पोथियां लेकर के आना, अपने हाथ से उसकी प्रति करना, कॉपी करना, उसको पढ़ना। हम एक गीता सुनते सुनते हैरान हो जाते हैं, रामदास स्वामी ने उनके दासबोध के आरंभ में ही 12 गीताओं का नाम दिया है, अपने तो एक ही बस है, गणेश गीता, राम गीता, उद्धव गीता, उद्धुत गीता, 12 गीताएं जो उन्होंने अध्ययन किया। प्रश्न इतना ही है, यहां पर उनको प्रेरणा देने वाला कौन था, देखरेख करने वाला कौन था? अरे हमारा साधन हम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, मुझे ये करना ही है, कुछ भी हो जाए मैं ये किए बिना नहीं रहूंगा, ये निश्चय। और रोज की उकताहट के ऊपर नियंत्रण। आयु के 12वें वर्ष में उन्होंने आरंभ किया। अपने घर के 12, 16, 18 साल के बच्चों को याद करो, सनिश्चयेन योक्तव्यो
योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। ये सब करने में हम विचलित हो जाते हैं अनेक प्रकार की कामनाओं से। करने के लिए बैठे ध्यान, करने के लिए बैठे पूजा, और दूसरी कोई इच्छा हो गई तो मेरा मन तो हट गया। भगवान कहते हैं अर्जुन, इन कामनाओं का सबसे पहले निरोध करना पड़ता है, इनका त्याग करना पड़ता है। कैसे करेंगे इसका त्याग? संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा। इन सारी कामनाओं का मूल होता है हमारी संकल्प दृष्टि में। इच्छाएं क्यों होती हैं? इच्छाएं इसलिए होती हैं कि जिस वस्तु की इच्छा मुझे हुई वह वस्तु मेरे मन में जची है। कहीं ना कहीं मेरे मन ने एक कमेंट उसके लिए किया है कि यह अच्छी है, यह वस्तु अच्छी है। इस प्रकार की मेरे मन की भावना हुए बिना वह वस्तु मुझे चाहिए, यह दूसरी भावना होगी नहीं। संकल्प इसे कहते हैं, सम्यक्त्वेन कल्पनम संकल्पः। और यह भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सब अच्छा अच्छा लगता है, तो सब सब कुछ चाहिए ऐसा लगता है। ध्यान में ये आना चाहिए, सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन जो साधन मैं कर रहा हूं वह साधन सबसे अच्छा है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं। अपने साधन के लिए इतना प्रेम होगा, इतना समर्पण होगा, तो दूसरी इच्छाएं कभी एकाद तरंग की तरह हमारे मन में आ भी गई तो भी वो टिकेगी नहीं। इसीलिए भगवान पतंजलि ने कहा, केवल साधन करो नहीं, केवल साधन दीर्घकाल करो नहीं, केवल साधन अखंड रोज करो नहीं, तो सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, उस साधन में परिपूर्ण श्रद्धा को उंडेल करके करो। भगवान पतंजलि का सूत्र है, सत दीर्घ काल नैरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। साधन को दीर्घकाल करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, और श्रद्धा के साथ करना पड़ेगा, उस साधन का सम्मान करते हुए करना पड़ेगा। हम हमारे द्वारा किए जाने वाले जप को लाइटली लेते हैं, क्या है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आने वाले मेहमान को बड़ा सीरियसली लेते हैं। उत्तम साधक वो है जो किसी का अनादर नहीं करेगा, लेकिन अपने स्वयं के द्वारा किए जाने वाले साधन के साथ कभी समझौता भी नहीं करेगा। अपने स्वयं के साधन के लिए इतना आदर अंतकरण में होना चाहिए, तब तो वो निपटता है, नहीं तो किसी न किसी कारण से वो शिथिल हो जाता है। हमारे कांची के पूज्य परमाचार्य जी महाराज
जीवन भर पदयात्रा की है। कभी भी कहीं पर भी किसी के घर पर निवास नहीं किए। उनके रुकने के केवल दो स्थान थे इतनी सारी पदयात्रा में, या तो किसी मंदिर में रुकते हैं अथवा किसी गौशाला में रुकते हैं, तीसरे किसी स्थान में वे कभी रुके ही नहीं। बात यह थी, हैदराबाद के पास में उनका प्रवास था और मार्ग में एक छोटी सी गौशाला थी। महाराज कभी यह भी विचार नहीं, वो कितने महान थे आपको मैं बोल करके दिखा नहीं सकता, जिन्होंने उनका दर्शन किया वो धन्य है। गौशाला छोटी है कि बड़ी है उनका विचार नहीं किया, अपने पास आने वाला गरीब है कि श्रीमंत है उन्होंने कभी विचार नहीं किया, वो देवता रूप थे। पदयात्रा में हैदराबाद के समीप की एक गौशाला में उनका निवास था। उस समय के हमारे प्रधानमंत्री श्री मुरारजी भाई थे, तो एक बार कमिश्नर मिलने के लिए आए महाराज के दर्शन के लिए और कहा कि प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलना चाहते हैं, आपके दर्शन के लिए आना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, उनका स्वागत है। तो उस कमिश्नर ने कहा लेकिन यहां तो टिन का शेड है, इतनी छोटी गौशाला है, यहां प्राइम मिनिस्टर कहां कैसे आएंगे और यहां पर आपका उनका मिलना कैसे होगा। स्वामी जी आप प्लीज एक काम करिए ना, यहां से थोड़े अंतर पर हमारा एक गेस्ट हाउस है, आप वहां पर रुकेंगे और वहां पर आपके दर्शन के लिए प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे। जब उनके मन में नहीं होता था तो स्वामी जी की एक ही प्रतिक्रिया होती थी, वो बोलते ही नहीं थे, वो सुनकर के चुप हो गए। उनके साथी ने कहा, जब महाराज कुछ बोले ही नहीं तो उनके साथी ने कहा भैया इस बात के लिए आप उनको आग्रह मत करो, ये कभी वहां जाएंगे ही नहीं, प्रधानमंत्री को आना है तो यहां आ सकते हैं, महाराज नहीं जाएंगे। ये महाराज के सामने महाराज नहीं बोले, हो गया। उस कमिश्नर ने बहुत प्रयास किया, आखिर साथ के व्यक्ति ने कहा भैया उन्हें आना है दर्शन के लिए तो यहां आने दो, ये तो कहीं नहीं जाने वाले। छोटी सी बात की अनुकूलता को देख करके हम लोग अपने नियम को बदल देते हैं। गौशाला से गेस्ट हाउस में अधिक सुविधा है, ये बात ठीक, लेकिन उस महान तपस्वी का ये नियम है, महाराज नहीं गए। आखिर प्रधानमंत्री वहीं पर आए, वे भी बड़े समझदार रहे पहले से, ये सारे समाचार प्रधानमंत्री ने नहीं भेजे थे क्योंकि वे स्वयं सादगी के उपासक थे। लेकिन उस बेचारे कमिश्नर को क्या पता, इसलिए उसने अपनी ओर से प्रयास किया। यदि महाराज के मन में यह आता कि गौशाला से गेस्ट हाउस अच्छा है तब तो कुछ बात बनती, मूल बात मेरे व्रतों से संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, मुझे मेरे व्रतों का पालन करना चाहिए, मेरा जप है, मेरी पूजा है, मेरा नियम है, मेरा नित्य नेम है, संसार की चीजें और भी अच्छी हो सकती है
लेकिन मेरा साधन सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लिए, ये बात मन में होनी चाहिए। तब तो संकल्प ही नहीं होगा। समीचीनत्वेन कल्पनम, ये संकल्प का अर्थ है ना, मेरे साधन से वो बात अच्छी है, ये संकल्प ही नहीं हुआ तो कभी भी उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ही जगेगी नहीं। कितनी बातें बताऊं, कितने महापुरुषों की बताऊं, आए दिन हम लोगों को विदेश में भागने की इच्छा होती है। गुरुदेव रानडे जी के पास हिब्बर्ट लेक्चर्स के लिए निमंत्रण आया। उनकी एक सीधी पद्धति थी, अपने गुरुदेव से पूछना, उन्होंने हां कहा तो वो काम करना, नहीं तो नहीं करना। अच्छा, गुरुदेव भी समाधिस्थ हो चुके थे, पत्र उन्होंने अपने गुरुदेव के फोटो के सामने रख दिया। इतने महान विद्वान थे, उनकी विद्वत्ता का तो कोई पार ही नहीं था। इतने से आप समझ लीजिए, मराठी, कन्नड़, हिंदी, संस्कृत, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश, इतनी भाषाएं वे मातृभाषा की तरह बोलते थे और लिखते थे। और पीएचडी के सारे छात्रों का मार्गदर्शन करते थे। मुद्दा इतना ही है, गुरुदेव का संकेत नहीं हुआ, इन्होंने सीधा पत्र लिख दिया कि आई कांट कम। इतनी महत्वपूर्ण बात थी वो, जब पता चला कि डॉक्टर रानडे इज नॉट गोइंग, तो डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली केम टू हिम, आप मेरी सिफारिश कीजिए। डॉक्टर राधाकृष्णन जिसके पास सिफारिश के लिए आवे, उस व्यक्ति की विद्वत्ता क्या होगी? क्यों नहीं जगह अंतकरण में संकल्प कि मैं विदेश जाऊं, मैं वहां पर व्याख्यान करूं? एक ही कारण था, मेरा साधन इन सारी बातों से श्रेष्ठ है। समीचीनत्वेन कल्पनम, इससे अच्छा वो है, ऐसा लगा कि जाने की इच्छा होगी, करने की इच्छा होगी, पाने की इच्छा होगी। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। अंग्रेजी की चार पंक्तियां मुझे बचपन से बड़ी अच्छी लगती है। संसार के अनेक काम बहुत अच्छे हैं जी, लेकिन मेरे सामने मेरा काम है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइस टू वॉक बिफोर आई स्लीप एंड माइस टू वॉक बिफोर आई स्लीप। हरा भरा सब कुछ है, कितने सारे सुंदर स्थल है, इट्स फाइन, इट्स नाइस, दैट्स ट्रू, बट आई हैव टू वॉक। संसार कुरूप नहीं है, संसार सुंदर भी हो सकता है, लेकिन मेरा लक्ष्य, मेरा साधन, मेरा मार्ग यह सर्वाधिक आवश्यक है। उससे बढ़िया मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए संसार को हाथ जोड़ करके व्यक्ति को अपने काम में लगे रहना चाहिए, और साधक का काम उसका ध्यानाभ्यास है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः।
अशेषतः एक भी बात अपने साधन से अधिक अच्छी न लगे, ऐसा होगा तो साधन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः, अपने मन से ही अपनी सारी इंद्रियों को बटोर करके नियंत्रित करके अपने ही विषय में लगाना, अपने ही ध्यानाभ्यास में लगाना, और न उकताते हुए रोज, न उगते हुए रोज वही करते जाना। बात सही है कि मार्ग लंबा है, बात सही है कि आपकी गति धीमी है, लेकिन यह भी बात सही है कि यही राजमार्ग है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ है। शनैः शनैः परमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तये। सवेरे हम लोगों ने उपरमेत का अर्थ देखा, धीरे धीरे एक एक बात में से अपना मन निकलता जाए। थी मेरे जीवन की एक वो अवस्था जब मुझे ये चीजें आवश्यक लगती थी, उन्हीं में मैं रमता था, उनके बिना मैं बेचैन होता था। रहा होगा, ऐसी कितनी चीजें जीवन में होती है, और इन चीजों को लिए अनेक बार साधन करने वाले भी गलती भी कर बैठते हैं, लेकिन यदि वो साधन के ऊपर डटे रहे ना, अपने आप ये गलतियां छूट जाती है और पुनः विशुद्ध साधन चलते रहता है। अगर गलती रुलाती है, अगर गलती रुलाती है, तो राहें भी दिखाती है, तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। बराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। बराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, ये दुनिया एक उलझन है। कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन,
उलझन है, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। शनै शनै रूपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया। भगवान की एक विशेषता आप ध्यान में लीजिए, बाहर की इंद्रियों का नियमन करने के लिए भगवान किसी प्रकार की कृत्रिम पद्धति नहीं बतलाते हैं। वे आवाहन करते हैं हमारे कॉमन सेंस को और ये कहते हैं दो बातों का उपयोग करने के लिए भगवान ने कहा और एक तीसरी साथ जोड़ दी, बुद्ध्या, आगे शब्द आएगा मनसैव, और तीसरी बात जोड़ दी गृही धृतिगृहीतया, अपनी बुद्धि अपना मन अपना धीरज इसी से अपनी इंद्रियों का नियमन करना चाहिए, कृत्रिम उपायों से बहुत नियमन होता नहीं। बाहर के उपाय आप कैसे भी कर लीजिए, जब तक भीतर का रस नहीं जाएगा विषयों का तब तक ये बाहर के उपाय बहुत कारगर नहीं होंगे। तीन बातें भगवान बतलाते हैं, हमारी बुद्धि हमारा मन और हमारा ही धैर्य धृति। ये तीन अलग अलग स्तर हैं। मन में भावनाओं की प्रधानता है, धृति में प्राण शक्ति की प्रधानता है, धीरज और बुद्धि में विचार शक्ति की प्रधानता है। अपने मन से अपने प्राणों का नियंत्रण करते हुए अपनी बुद्धि विचार शक्ति समझदारी के साथ हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और धीरे धीरे एक 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 बात को त्यागते हुए आगे निकलना चाहिए। और भगवान ने बात बतलाते हैं कि ये काम धीरे धीरे होगा, शनै शनै रूपरमेत
क्योंकि इस चित्त में अनेक जन्मों का कचरा एकत्रित है। हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे इतनी गंदगी अंदर भरी है। अरे 60 साल की गंदगी को दूर करने के लिए 5 साल जैसे पर्याप्त नहीं होते हैं तो हमारी तो कितने जन्मों की है, तो समय लगेगा। समय लगने देने में ही एक हित है, और यह बात इसलिए बतलाना आवश्यक है कि हमारे देश में जो एक फैशनेबल स्पिरिचुअलिज्म चला है और जो अध्यात्म का और धर्म का मार्केटिंग चला है, उसमें तरह तरह के नए नए उपाय सामने दिखते हैं। तीन दिन में समाधि, 5,000 लोगों की एक ही साथ बैठकर के कुंडलिनी की जागृति, ऐसे कितने लोग देश में घूम रहे हैं? लफंगे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए व्यासपीठ से, लेकिन यह सारी दुकानदारी किसी का भी कल्याण करने वाली नहीं है। यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई भी आपको समाधि प्राप्त नहीं कर दे सकता 3 दिन में, और कोई भी 1,000 लोगों की कुंडलनी साथ में जागृत कर सकता, यह सारा बनावटी खेल। लेकिन ये सारे बनावटी खेल चलते क्यों हैं? क्योंकि हम वी आर इन हरी, जल्दी चले जाए। हमारे बाबा जी ने एकदम सिर पर हाथ रखा, समाधि लग गई। अरे बाबा जी के पिताजी की भी नहीं लगी भैया। अध्यात्म के नाम पर चली हुई ढकोसलेबाजी इसलिए चलती है कि हमें ही लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं। उसके ग्राहक कौन है? हमें ही को लगना चाहिए कि यह सब झूठ है, शास्त्रों के विरुद्ध है, और वैसा वो है। घर बार छोड़ करके जा करके कहीं आश्रम में रुको, भागवत सुनो, गीता सुनो, और फिर अभ्यास करो, और कितने वर्ष तक लगे रहो, ये सब करने की अपेक्षा यदि कोई ऐसा रेडीमेड बाबा अपने को मिल जाए कि वो मस्तक पर हाथ रखे और एकदम समाधि लग जाए तो अच्छा ही है ना। लेकिन ये सारा प्रोत्साहन तो हम ही देते हैं, हम ही को जल्दी है। शास्त्रों की जानकारी न होने के कारण और अनावश्यक जल्दबाजी के कारण हम लोग सब बातें झटपट चाहते हैं, झटपट। यहां पर कुछ भी झटपट नहीं है। शनै शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया। यदि आप अपना साधन ठीक से कर रहे हैं, ध्यान रखना, आपका जप चालू है, आपकी पूजा चालू है, आपका स्तोत्रपाठ चालू है, आप गीता पढ़ते हैं, आप विनम्रता से अपने साधन में लगे हैं, तो अनुभूति फनुभूति की बात मत सोचो। यह पक्का विश्वास रखो कि मेरे कर्म कट रहे हैं। इसमें से एक भी कण व्यर्थ जाने वाला है नहीं। अरे हमारे द्वारा किए गए किसी भी सत्कर्म का एक कण भी व्यर्थ जाए तो भगवान ही झूठ हो जाए।
हमें कुछ तो भी जैसा तैसा दृश्य देखने की क्या जल्दी पड़ी है। अध्यात्म का मार्ग चित्त शुद्धि का मार्ग है। संपूर्ण साधन को एक शब्द में कहा जा सकता है, वह शब्द है चित्त शुद्धि। और यह चित्त शुद्धि धीरे धीरे ही होगी। होगी पक्का, संशय रहित, लेकिन होगी धीरे धीरे। शनै शनै रूपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तये। हम लोग जब पढ़ते थे, पढ़ते समय हम अब मित्र मित्रों में तो जैसी तैसी बातें होती रहती है। भगवद गीता के श्लोकों के अर्थ करने वाले अनेक भाष्यकारों को और विचारकों को हम पढ़ते जाते थे। कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी कहता है, तब हम कहा करते थे कि अरे गीता की अवस्था द्रौपदी जैसी है। कोई कौरव आता है और वस्त्र हरण करना चाहता है। यहां पर आया है शब्द न किंचित भी चिंतयत, बस इसी के ऊपर एक दर्शन खड़ा हो गया। भगवत गीताकार ने कुछ कुछ भी चिंतन करने के लिए नहीं कहा, चुपचाप केवल बैठ जाओ। भगवत गीताकार ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि न किंचित अपि चिंतयेत ये कहने से पहले भगवद गीताकार ने कहा है आत्मसंस्थं मन कृत्वा, अपने मन को आत्मस्वरूप में लगा करके, अथवा हमने कल सायंकाल देखा था, आज प्रातःकाल भी जो देखा था, भगवान के किसी भी रूप में भगवान की हमारी श्रद्धा के अनुसार जो भी छवि है, अथवा नाम रूप गुण लीला धाम, इनमें से किसी में भी लगा करके न किंचित अपि चिंतयेत, अन्य किसी भी बात का चिंतन नहीं करना। आत्मसंस्थम में यह सारा अभिप्रेत है। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को भगवान ने जो ध्यान विधि बतलाया है, और कपिल महामुनि ने जो मां को बतलाया है, उनका दोनों का भी अंत एक स्थान पर है, समान ही है। भगवान कपिल महामुनि भगवान के हास्य का वर्णन करते हैं, हासम हरे रवनता इत्यादि इत्यादि, अब मैं जाऊंगा नहीं वापस। और 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं, उद्धव सस्मितम भावयेन मुखम, भगवान के अतीव सुंदर स्मित हास्य का चिंतन करो, फिर क्या करो, न किंचिदपि चिंतये, अपने मन को वहां पर लीन करके कुछ चिंतन नहीं करो। अब यहां पर जो न किंचिदपि चिंतये है ना, अब इसका बहुत सारा व्याख्यान हो सकता है। यदि निर्गुण निराकार आदि प्रातःकाल में जो चार प्रकार हम लोगों ने देखे थे, उसमें किसी को लगा कि भैया सारे सुख आत्म वस्तु में है, इसलिए हम तो सोहम का चिंतन करते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई ओम का करेगा, सोहम का, ये सारे भगवत रूप है, कोई राम का ही करेगा, हमें और कुछ नहीं आता है, राम 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 राम, नो प्रॉब्लम। आप क्या आधार लेते हैं इससे मतलब नहीं है। उस आधार का संकेत भगवान की ओर होना चाहिए, और उसमें इतना लीन हो जाना चाहिए कि अन्य कोई बात अपने मन में आवे ही नहीं।
एक बार क्या हुआ, हमारे पैठन के महान संत एकनाथ महाराज, अब वो रोज ही प्रवचन करते थे भागवत का, कुछ न कुछ विषय लेकर के और चलता था। अब लोग भी उनके पास आते थे, कुछ पूछते थे, महाराज महाराज हैं। तो वहां पर एक ग्वाला आया, उसने कहा महाराज मैं भी ध्यान सीखना चाहता हूं। महाराज ने कहा बहुत अच्छा, तुम्हारे मन में इतनी अच्छी बात आई, बात केवल समझने के लिए है, आप उससे प्रेरणा मत लेना, तुम्हारे मन में इतनी बढ़िया बात आई, जाओ भगवान का, विठल भगवान का ध्यान करो। उसने कुछ दिन किया, वापिस आया, कहा महाराज ध्यान होता ही नहीं है। क्या होता है? उसने कहा वो आपका विठल भगवान तो पता नहीं कहाँ चला जाता है, मुझे मेरी भैंसी याद आती है। संत एकनाथ महाराज तो पूर्ण गुरु थे, उनका अरे भैंस याद आती है ना, तुम्हें पता है क्या भैंस भी भगवान का रूप है, तुम भगवान की बुद्धि से भैंस का चिंतन करो और यही मानो कि ये भैंस परब्रह्म ही है। उसने कहा चलेगा? महाराज ने कहा बिल्कुल चलेगा। उसने कहा यह तो मेरे बहुत अच्छा हो गया, और थोड़े ही दिनों में उस महर्षि ब्रह्म का चिंतन करता करता वो इतना तल्लीन होकर के बैठने लग गया, सब कुछ भुलाकर वो भैंस का चिंतन नहीं कर रहा है। ध्यान रखना, भैंस में भगवान को देख करके चिंतन कर रहा है। किसी भी वस्तु को आप भगवत रूप देख करके चिंतन कर सकते हैं, ये शास्त्र का नियम बतलाता हूं। इसके लिए भगवान वेद व्यास जी का एक ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म बुद्धि उत्कर्षात्। अरे हम शालिग्राम जी का चिंतन करते हैं, जिस शालिग्राम को गंडकी नदी के तट पर इकट्ठे होने वाले वहां के नेपाली बच्चे एक पत्थर से अधिक कुछ नहीं मानते हैं, उस शालिग्राम जी का चिंतन जब हम ब्रह्म बुद्धि रख करके करते हैं कि ये शालिग्राम और कुछ नहीं है, ये साक्षात नारायण है। नारायण बुद्धि से शालिग्राम का चिंतन और पूजन करते करते मनुष्य साक्षात विष्णुलोक पर्यंत पहुंच जाता है। ये श्रद्धा उसको तारती है, ये श्रद्धा उसको वहां पर ले जाती है। मुख्य बात, किसी भी प्रक्रिया से मन को आत्मसंस्थ करने की आवश्यकता है, अपने भीतर ही विराजमान करने की आवश्यकता है। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। कितने धन्य हैं शास्त्रकार, अब भैंस से अधिक घटिया कौन उदाहरण हो सकता है बोलो? ब्रह्म बुद्धि कहीं पर भी की जा सकती है। शास्त्र का नियम यह है, ब्रह्म बुद्धि कहीं पर भी करो, भगवत बुद्धि कहीं पर भी करो, जहां आपकी श्रद्धा है वहां पर करो, लेकिन भगवान में वस्तु बुद्धि नहीं करना, भगवान में मनुष्य बुद्धि नहीं करना, तुलसी जी में वृक्ष बुद्धि नहीं करना,
सद्गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं करना, गंगा जी में जल बुद्धि नहीं करना। इसको हमारे शास्त्रकारों ने द्रवीभूत ब्रह्म कहा। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, जय जय गंगे नमो नमो, 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 त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, पाप निवारिणी नमो नमो,
तारिणी नमो नमो धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तये यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत् हम सभी को जिस बात का अनुभव होता है उसे ध्यान में लेकर के श्री भगवान एक बात कहते हैं, आत्मस्वरूप में अथवा भगवत रूप में मन लगाते रहने के लिए श्री भगवान ने कहा, लेकिन अनुभव यह है कि ऐसा मन लगाने का प्रयास करने पर भी मन वहां टिकता नहीं, निश्चरति, लगाया था यहां भाग गया कहां, और यहां बैठे बैठे मन भागता। अच्छा, इसके भागने का कोई ठिकाना ही नहीं है, इतना वेग, एक क्षण में यहां से अमेरिका पहुंच जाता है, और बैठा है वानप्रस्थ आश्रम में और दृश्य देखता है वहां के, अपने गांव पहुंच जाता है, अपने दुकान पर पहुंच जाता है, अपने मकान पर पहुंच जाता है, अपने पड़ोसी के पास पहुंच जाता है, शत्रु नंबर वन के पास जाता है, पता नहीं कहां कहां जाता है, कहीं भी जाता है। मुख्य बात यह है कि आत्मस्वरूप से तो फिसल गया और गया, अच्छा कहां गया कोई ठिकाना नहीं। क्या करना चाहिए ये सबका प्रश्न है, सबका अनुभव भी है, सबका प्रश्न भी है, और भगवान इसे जानते भी हैं। बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं, आप उस मन के साथ झगड़ा उगड़ा मत कीजिए। गलती कहां होती है पता है? अब बैठे थे यहां और चले गए अपने गांव, और फिर ध्यान आया, फिर मैं क्या कर रहा हूं, फिर विचार करता है ये क्या हो गया, मैं इतनी बार प्रयास करता हूं फिर ये क्या हो जाता है। अपने मन के बारे में शिकायतें करना बंद करो, ये पहली बात है। भगवान बड़ी सरल बात करते हैं, आपको केवल एक ही बात करनी चाहिए कि जिस क्षण आपके ध्यान में यह आ गया कि मेरा मन ध्येय वस्तु से हट करके और कहीं चला गया, जैसे ही ध्यान में आया चिड़चिड़ मत करो, शांति से उसे वहां से निकाल करके फिर अपनी ध्येय वस्तु के ऊपर ला, और यह काम शांति से करो। हम शांति से करते नहीं है, हम उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, और झगड़ा करने से हमारे डिस्ट्रैक्शन का फिक्सेशन होता है, ये बात हमारे ध्यान में आती नहीं। काम था आपका भगवान का चिंतन करना, भगवान का चिंतन करते मन कहीं तो भी चला गया,
अब वो वहां पर क्यों चला गया, इसके कारण यदि आप उसके साथ झगड़ा करते रहेंगे तो अपने आप वह मन पुनः भगवान तक आएगा ही नहीं। चला गया चला गया, अब आपके ध्यान में आया ना, शांति से उसे पुनः भगवान की ओर ला। कमेंट भी मत करो, अच्छा किया कि बुरा किया, हैव नो जजमेंट, पास नो कमेंट। देखो संसार में सारी कलाएं आसान हैं, अपने मन पर विजय प्राप्त करने की कला सबसे कठिन है, और जितनी वो कठिन है उससे 10 गुना कठिन हमने बना दी है, वैसे वो उतनी कठिन नहीं है। लेकिन हमारा दुराग्रही स्वभाव, झगड़ालु वृत्ति, सर्वदा असंतोष, अरे बच्चे को घर में रहने के लिए कहा था, खेलते खेलते बाहर चला गया। एक माँ वो होती है जो शांति के साथ उसको उठा करके फिर घर में लाती है और किसी भी खिलौने के साथ उसको रमा देती है, दूसरी माँ ये होती है जो चिल्ला करके बाहर जा करके पता नहीं फिर क्या करती है, धमाधम। और अच्छी माँ क्या करती है, बेटा तुम कितने अच्छे हो, कितनी बार तुमसे कहा ऐसे मत किया, है ना। माँ को भी पता है कि वो अच्छा नहीं है। अरे समर्थ रामदास स्वामी महाराज इस मन को मनाने के लिए कहते हैं, मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे। सज्जना जरा देख लो कितना सज्जन है, मूल बात ऐसी है कि उसे आप सज्जन कहते रहेंगे तो एक दिन वो सज्जन बनेगा। और यदि आप अपने बच्चे को रोज गधा है गधा है गधा है, नहीं होता होगा तो भी उस मां के कहने के कारण कुछ वर्षों में वो पप्पू बन जाएगा। योग वासिष्ठकार कहते हैं लालये चित्त बालकम, ये अपना मन है ना छोटे बच्चे जैसा है, इसलिए उसका थोड़ा लाड़ भी करना चाहिए, उसका नियंत्रण भी करना चाहिए, तब जाकर के वो आपके आपकी आज्ञा में रहेगा। इस मन को कैसे समझाना, रामदास स्वामी के मनाचे श्लोक से बढ़कर के कोई ग्रंथ आपको नहीं मिलेगी, इतना सुंदर। मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे। अब देखो बच्चे को समझाने जैसा कैसे समझा रहे हैं, जनी निंदते सर्वसोड़ो निद्यावे, जनी वंद्यते सर्वभावे करावे। बताओ कोई माता पिता इससे कोई अधिक बात अपने बालक को बोलता है, जनी निंदते सर्व सोड़ो निद्यावे, जनी वंद्यते सर्वभावे करावे। अब उधर मैं ज्यादा जाता नहीं, लेकिन मन को संभालना ये एक विलक्षण कला है। हरदम डांट फटकार ही नहीं चाहिए, बहुत लाड़ भी नहीं चाहिए, शांति के साथ व्यवहार करो ना। संसार में किसी के भी साथ लड़ना आसान है, स्वयं के मन के साथ लड़ना सबसे कठिन है, क्योंकि स्वयं के मन के साथ जब आप लड़ते हैं ना तब आदि शक्ति का लॉस तो पहले ही हो गया।
क्योंकि वो आपका मन है। उपाय यही है जो विचार मेरे मन में आ गया, जिसके कारण मेरा मन आत्म तत्व से अथवा परमात्म ध्यान से विचलित हो गया, मैं उस किसी भी विषय के लिए अथवा किसी भी विचार के लिए अपने मन में किसी प्रकार की कमेंट नहीं करूं। हमारे मन को कमेंट करने की बड़ी आदत है, हम लगे तुरंत ब्रांडिंग करते हैं, गुड बैड वेरी बैड। तुम चुप रहो ना, हर समय तुम्हें कोई कमेंट ही करना चाहिए क्या? चला गया शांति से उसको फिर वापिस बुला लेना। आपने जैसे ही कहा कि जो विचार अभी मन में आया बुरा है, तुरंत एक और दूसरा विचार बुरा आता है, और आप अपने आत्म तत्व से और अधिक दूर जाते रहते हैं। मुझे पूज्य डोंगरी जी महाराज की स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। लोगों को टालने की सबसे बढ़िया स्टाइल यदि किसी की होगी तो उनकी थी। लोग आते थे, अच्छा कब पधारे, महाराज कभी नहीं पूछते थे कैसे हैं, वो भी नहीं पूछते थे क्यों आ गए, चिढ़ते भी नहीं थे। कोई भी आ गया ना, ऐसा करके अपने ठाकुर जी की ओर देखते थे, सामने वाला आता एक क्षण खड़ा होता, प्रणाम करके चला जाता। कैसा है पूछा कि उसकी हिस्ट्री शुरू। अभी क्यों आए, ऐसा कहते दूसरी हिस्ट्री शुरू। थोड़ा सा छेड़ा कि उसकी कहानी आरंभ हो जाती है। यह जैसे लोगों का होता है वैसे अपने मन के विचार का भी होता है। इसलिए मन में जो भी आया ना, कुछ नहीं करना, शांति के साथ पुनः धीरे से अपने ठाकुर जी की ओर देखना आरंभ करना, उसके साथ बात ही नहीं करना, विचार के साथ वो अच्छा है बुरा है सोचना ही, क्यों चला गया मेरा मन उधर ये भी सोचना नहीं, ठाकुर जी की यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम। इसी को कृष्णमूर्ति कहते प्यासी, भी प्यासे हो, हम तटस्थ होकर के रहे, बिल्कुल पूज्य डोंगरी जी महाराज जैसे वो प्यासे रहते। सोचता हूं कि मैं भी ऐसा कर पाऊं लेकिन नहीं कर पाता, अभी करेंगे, एकादशी का दिन है, अच्छा है, सबको ऐसे ही करेंगे। यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत्। एक बड़ी मौज की बात आपके ध्यान में आएगी, इतना अभ्यास आप आरंभ करेंगे ना। चलो यहां पर मैं आपको एक चार शब्द सुना देता हूं, अर्थ बतलाऊंगा नहीं, नहीं तो मैंने कहा ना यही अध्याय चलेगा 8 दिन। अलर्ट पैसिव चॉइसलेस अवेयरनेस, ये जय कृष्णमूर्ति के शब्द हैं जो बहुत प्रगल्भ है। मन में उठने वाली किसी भी वृत्ति के लिए वे साक्षी बना देते हैं, और साक्षी के सामने कोई टिकता नहीं,
अनवांटेड मेहमान को टालने की सबसे बढ़िया युक्ति यह है, न उसको चिढ़ करके पूछो कि आप कैसे आ गए जी, और नहीं ये पूछते बैठो कि कैसे हो, क्या है, कैसे हो। वो इतना कहा कि वो चिपका। ये जैसे आदमी चिपकता है ना, वैसे विचार भी चिपक जाते हैं। तटस्थ पूज्य डोंगरी जी महाराज को याद करो, तटस्थ होना सीख जाओगे। उनके हाथ जुड़े हुए, इसलिए कुछ लेना नहीं और कुछ देना नहीं, और सामने बाल कृष्ण भगवान एक बार देख लिए, सामने वाला एक सेकंड खड़ा होता था, फिर देखता था कि अब यहाँ खड़े होने में कोई मतलब नहीं है, और यदि वो ज़्यादा खड़ा हो गया ना तो महाराज ऐसा करते। वेरी क्यूट। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्नेव वशन्। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज एक बात कहा करते कि हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, यही इतनी ही समस्या है, बाकी सारा जितना भी है ना, जो गीता में है और रामायण में है और भागवत में है, ये सब सेकेंडरी है। एवरीथिंग, समस्या इतनी ही है। This is the crux of this problem. क्या? Unwanted thoughts, अवांछित विचार, यह एक ही समस्या है और कोई समस्या है नहीं। आप कहीं से भी प्रयास कीजिए, बिना कारण के पता नहीं कहां कहां के विचार मन में यूं ही आते रहते। वो आते ही है, हम लाते नहीं है तब भी आते ही है, और पता नहीं कहां कहां से उठ करके आते हैं, कब कब क्या आते हैं। कभी जागृति में आते हैं तो कभी कभी पुराने विचार सपने में भी आ जाते हैं। यही चलता है और यही मूल समस्या है, और इस मूल समस्या का समाधान उन आगंतुक विचारों की ओर तटस्थ होकर के देखना साक्षी भाव से, और भगवान में अपना मन लगाना प्रेम भाव से, यही उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब इसमें आपको प्राणायाम भी उपयोगी होगा, इसमें आप जिस आसन में बैठे वो उपयोगी होगा, ये सारी बातें हुई, लेकिन मुख्य बात यह है, यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्नेव वशन्नये। अरे गंगा जी के तट पर बैठे हैं ना, जैसे गंगा जी का प्रवाह मेरे सामने से बहता जाता है, मैं देखते रहता हूं, उसी प्रकार जिस दिन मेरे अंतःकरण में उठने वाले विचारों के प्रवाह को मैं तटस्थ होकर के देख पाऊंगा, ध्यान रखना अध्यात्म अत्यंत सरल हो जाएगा। हमने अपने को मन के साथ आइडेंटिफाई कर लिया, हम मन नहीं हैं, हम मन से अतीत हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्नेव वशन्नये। प्रशांत मन संयेनम् योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। एक बात का आप अनुभव अवश्य करेंगे, अभी जो उपाय हमने देखे, इन उपायों का आलंबन लेते ही एक बात ध्यान में आती है कि मन अभी भी चंचल है,
लेकिन पिछले वर्ष था उससे कम चंचल है। धीरे धीरे इस मन की चंचलता कम होती जाती है, अवांछित विचारों की संख्या कम हो जाती है, और जितने क्षण भगवान में मन पहले लगता था उससे अधिक लगना आरंभ हो जाता है। यह एक दिन में नहीं होता है, यह बात तो पक्की है, इसीलिए भगवान ने शनि शनि कहा, लेकिन यह होता ही नहीं, यह गलत बात है। और जितनी जितनी यह स्थिति प्राप्त करने में हम सफल होते जाते हैं, उतनी उतनी प्रगाढ़ शांति हमारे भीतर अपने आप अवतरित हो जाती है। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम। और फिर क्या होता है पता है? उत्तमम सुखम उपैति, अपने आप उसे भीतर से दिव्य सुख की अनुभूति होती है। क्यों होती है? भगवान कहते शांत रजसम। अध्याय का आरंभ हमने कहां से किया था याद है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम। तीसरे अध्याय के अंत में श्री भगवान हमारे भीतर निर्माण होने वाले काम और क्रोध ये रजोगुण के कारण होते हैं। अब उस रजोगुण को शांत कैसे किया जाए यही सारी प्रक्रिया हमने देखी। यदि इस प्रक्रिया का हम आलंबन लेते हैं तो क्या होगा? उपैति शांत रजसं, रजोगुण शांत होगा। और रजोगुण के शांत होते ही अपने आप उत्तमम सुखम उपैति, अपने आप वो दिव्य सुख हमारे भीतर से ही हमें अनुभव होता है। रजोगुण की चंचलता नष्ट होने के कारण विकार समाप्त हो गए। ब्रह्मभूतम अकल्मषम, सारी दलदल धुल गई, पाप कम हो गए। और क्या हुआ? यह योगी अंतरंग से ब्रह्म के साथ एक रूप होने लगा, परमात्मा के साथ एक रूप होने लगा। और परमात्मा के साथ एक रूप होते ही भगवान की जो प्रशांति है यह इसके भीतर प्रवेश करने लगी। हमारे शास्त्रकार समाधि का वर्णन करते समय उदाहरण देते हैं, तत्र तस्त तदंजनता समापत्ति। समाधि क्या है आप प्रयोग करके देख सकते हैं। एक स्फटिक लिया और स्फटिक के पास आपने गुलाब का फूल रखा, आपको गुलाब के फूल का रंग स्फटिक में दिखता है, अपने आप तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। हम भगवान के पास बैठे हैं, भगवान के साथ हम एक रस हो रहे हैं। और कैसे बैठे हैं? स्फटिक के समान, पत्थर के समान बैठेंगे तो नहीं होगा। स्फटिक का अर्थ ही क्या है? विशुद्ध होकर के बैठे। ब्रह्मभूतम अकल्मषम, विशुद्ध होकर के जो बैठ गया अपने आप क्या होगा? जैसे स्फटिक का वो गोला गुलाब के पुष्प के रंग को ग्रहण करता है, आप कहीं पर भी देख सकते हैं, स्फटिक है, गुलाब का फूल है या अन्य कोई रंगीन वस्तु है, तो जो रंग उसके समीप आएगा वो उसको ग्रहण करेगा। हम भगवान के समीप बैठे हैं,
स्फटिक जैसे निर्दोष होकर के बैठे हैं, तो अपने आप भगवान के गुणों का संक्रमण हमारे भीतर होता है। ब्रह्म भूतम अकल्मषम, और इतना सुख प्राप्त क्योंकि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जिस प्रकार गुलाब के पुष्प का रंग स्फटिक में प्रविष्ट हुआ, उसी प्रकार भगवान का सत चित आनंद स्वरूप हमारे भीतर प्रविष्ट होगा और जीव अनुभव करने लगेगा, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो। यह साक्षात अनुभूति है, यह आत्मानंद का गान है भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का। शिवत्व कहां है? शिवत्व सामने भगवान दिखने वाले भगवान शिव में है, लेकिन वह शिवत्व इसमें संक्रमित हो गया और यह गाने लग गया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये छीनना नहीं होता है, प्राप्त करना नहीं होता है, ये मांगना नहीं होता है। उपैति शांत रजसम, भगवान कहते हैं अर्जुन वो सारा सुख अपने आप समीप आता है, अधिकाधिक समीप आता है और तुम्हारे साथ एक रूप हो जाता है। उपैति उपनाम समीपम, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शं अत्यंतं सुखमश्नुते। संसार का हर व्यक्ति सुख के लिए भागदौड़ कर रहा है, उसकी सारी आपाधापी सुख के लिए है। भगवान कहते हैं इस योगाभ्यासी को वह सारा सुख जहां वह बैठा है वहीं पर अत्यंतम सुखम अश्नुते। लेकिन किसको? युञ्जन् एवं सदात्मानम्, निरंतर इस प्रकार का अभ्यास जो करते रहता है उसके लिए। फिर यह प्रश्न मत पूछना कितने दिन करना है, यह निरंतर का अभ्यास है। करते करते एक समय ऐसा आता है, ध्यान रखना, किसी के पास जाकर के कुछ भी पूछने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, इतना सुख अपने आप स्वयं को प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। यहां एक विशेष बात देखिए, भगवान कहते हैं ये सुख कैसे मिलता है? सुख से सुख मिल जाता है। संसार का सुख कैसे मिलता है? भागदौड़ करने वालों से पूछो कितनी आपाधापी करनी पड़ती है। देखो
महाभारत में द्रौपदी ने कहा सत्यभामा से, भाभी सुखम सुखे नैव न जातु लभ्यम दुखे न साध्वी लभते सुखानि। किसी बहुत बड़े घर में हम जाते हैं ना और उनका ऐश्वर्य देखते हैं ना, अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाला कहता है महाराज जीवन भर कितना परिश्रम करना पड़ा आपको क्या बताएं। मैं कहता हूं काय को बताते हो, मुझे पता है। दुखे न साध्वी लभते सुखानी, हिमालय की कंदरा में बैठे हुए किसी महात्मा को तप करना पड़ता है ऐसी बात नहीं है। बाजार में बैठे हुए दुकानदार को भी तप करना पड़ता है, और ये जब सीजन का टाइम आता है ना, वो न ठंड देखता है न गर्मी देखता है न भूख देखता है न प्यास देखता है, लगे रहता है दिन रात। इसके बाद मैं डॉक्टर का उदाहरण कभी नहीं दूंगा। प्रेम है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है कि नहीं बोलो। संसार का सुख दुखों से मिलता है, दुख पूर्वक मिलता है, और ये अध्यात्म प्रसाद जो है ना, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम, सुख से सुख मिलता है। कोई प्रक्रिया साधना की दुखमय नहीं है, नियंत्रण उसमें अवश्य है, दमन नहीं है, दुख किसी प्रकार का नहीं है। इसलिए सच्ची बात तो यह है, सबसे सरल सुखी होने का मार्ग सारी झंझटें छोड़ना, भगवान के ध्यान में लीन होना। आपका लौटने का बुकिंग कैंसिल मत करना, लौट करके जाना है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते, अत्यंतम सुखमश्नुते। भगवान कहते अर्जुन इस सुख का कोई पार नहीं। जब समाधि में है, पहले श्लोक की समाधि संप्रज्ञात समाधि है, अगले श्लोक की समाधि असंप्रज्ञात समाधि है, लेकिन जाने दो इतनी टेक्निकल बातों में कहां जाएंगे। यह समाधि की बात होगी। समाधि से जब वो उत्थान अवस्था में आता है तब क्या होता है, अब तो और मौज हो गई। उसने जो अंतरंग में दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार किया था, वो आंखें खोल करके चारों लोगों की ओर देखता है ना, तो उसको प्रतीत ये होता है कि अरे जो मेरे भीतर था वही इनके भी भीतर है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सब में मैं हूं और मुझ में सब है। सी राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यह चौपाई हमने कितनी बार सुनी,
नो, लेट अस टेस्ट अवर सेल्स ऑल्सो, ये चौपाई कितनी बार सुनी, सी राम मैं समझ जानी, रोज सुनते हैं। और फिर भी जब झगड़ा करने की बारी आती है ना, न सीता दिखती है न राम दिखते हैं, सामने वाले में पता नहीं रावण दिखता है या और कोई शूर्पणखा दिखती है। अनेक वर्षों तक पढ़ने के पश्चात, सुनने के पश्चात भी अपनी दशा यही है ना। इतने सब लोग चुपचाप जो बैठे हैं, इसका लिमिट 6 बजे तक का है। उसके पश्चात भगवान का कुरुक्षेत्र फीका हो जाए, ऐसा कुरुक्षेत्र हम कर। इतनी बार सुना ना, मुद्दा क्या है ध्यान में लीजिए, कितनी भी बार सुना उसमें क्या हो गया, सीय राममय सब जग जानी नहीं हुआ, सीय राममय सब जग मानी हो गया। किसी महात्मा ने कहा जानी, ऐसा जानना चाहिए। हमने भी विश्वास किया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मानना चाहिए। उपदेश उपदेश के स्थान पर रह गया, वो अनुभूति के स्तर पर नहीं आया। लेकिन ध्यान का अभ्यास परिपक्व होते होते ये अनुभूति जब हो जाती है कि अरे ये सब मैं हूं, ये सब मेरे हैं, ये भगवत स्वरूप है, अब मैं किसका द्वेष कर सकता हूं, बोलो। संतों की मजबूरी ध्यान में लो, संत किसी के साथ वैर करते नहीं है, यह बात सत्य नहीं है। संत किसी के साथ वैर कर सकते ही नहीं है, यह बात सत्य है। दे आर हेल्पलेस, क्योंकि उनको दिखता है सब मेरे में है, सब मेरे ठाकुर के स्वरूप है। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार, इसी भावना से अंतर भर, मिलूं सभी से तुझे निहार। इसमें भी भावना की बात कही है, ये भावना नहीं, ये अनुभूति जब हो जाती है ना, दे आर हेल्पलेस, वो विरोध कर नहीं सकते। सामने वाले की गलती देख करके भी एक सीमा से अधिक विरोध वो किसी का नहीं कर सकते, वो दुखी हो लेंगे, वो पछता लेंगे, वो रो लेंगे, लेकिन कभी किसी का बुरा करने की बात सोच नहीं सकते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, ये उनके व्यवहार के नियम नहीं होते हैं, ये उनका स्वभाव बन जाता है। ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते, वो देखता है। न तो मन्यते, वो मानता नहीं है, और उसको पता लग गया। एक उल्टा उदाहरण लेते हैं, कर्ण को पता नहीं था कि अर्जुन मेरा भाई है। तब तक कर्ण का जो आवेश था
इन पांचों भाइयों को, पांचों पांडवों को मारने के लिए रोज कर्ण यही बात बोलता था दुर्योधन के, अरे तुम क्या चिंता करते हो, मैं अकेला बस हूं इन पांचों को खत्म करने के लिए। ये बात करने वाला कर्ण जब उसको पता चल गया कि ये मेरे भाई है, उसका सारा बल निकल गया, विरोध करने की उसकी सारी क्षमता ही शिथिल हो गई। उसके पश्चात का कर्ण का युद्ध, युद्ध तो है लेकिन वह युद्ध फॉर्मल हो गया, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया, उसने जान लिया। कर्ण ने यह कहा कृष्ण से, जब भगवान ने बतलाया कि तुम राधेय नहीं हो, कौंतेय हो, कर्ण ने कहा कृष्ण तुमने ये बात इस समय मुझे क्यों बताई, अब मैं लड़ नहीं सकता। पूरे मन से नहीं लड़ सकता। ये जो कर्ण की अवस्था है ना, उसको इस बात का पता लगने के कारण कि वे पांडवों का भाई है, यही बात संतों के साथ होती है, उनको पता लग जाता है भगवान की कृपा से, उनके उपदेश से, कि संसार में दिखने वाले सारे जीवात्मा ये तुम्हारे भाई है, बहन है, बंधु है, वास्तव में इसके भी अतीत वे ईश्वर के अंश है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट, और इसी अवस्था में आकर के ईसा सूली पर चढ़ाए जाने के समय में भी कहते हैं ठाकुर से कि ठाकुर इनको क्षमा कर दो, ये बावले इनको पता नहीं कि वे क्या अपराध कर रहे हैं। फादर फॉरगिव देम, दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग, फॉरगिव देम। कितना छल किया लोगों ने ज्ञानेश्वर महाराज का, संपूर्ण ज्ञानेश्वरी में और उनके संपूर्ण वाङ्मय में कहीं पर भी एक विद्रोह का शब्द नहीं है। उल्टे महाराज कहते हैं जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवा से तुरिता से तिमिर जाओ विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो जो जे वांशील तो ते लाहो प्राणी जा। I can't go against anybody simply. I can't. I am helpless. Sarvabhutasthamatmanam sarvabhutani chatman ikshate योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। ज्ञानेश्वर 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 गुरु ज्ञानेश्वर 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 गुरु ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकारा ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकारा ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकारा ज्ञानेश्वर 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 गुरु ज्ञानेश्वर ज्ञान
ज्ञानेश्वर माउली ज्ञान राज माउली तुकाराम 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 ज्ञानेश्वर महाराज की जय। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रवक्ष्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवत अनुभूति अंतरंग में हो गई और उसके पश्चात वही अनुभूति सर्वत्र होने लगी। एक प्रभु में सब दिखने लगा और सब में प्रभु दिखने लगे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। जब ध्यान के लिए बैठो तो संसार को भूल जाओ, सारा संसार भगवान में देखो। जब पूजा करने के लिए भी बैठो तो संसार को भूल जाओ, सारे संसार को केवल अपने ठाकुर में देखना। उस समय संसार के एक भी पदार्थ की ओर ध्यान नहीं देना। मैडम चिल्लाती है तो चिल्लाने देना, आपके प्रेम से बोल रहा हूं, ये चिल्लाते तो इनको भी चिल्लाने देना। साधन के समय स
संसार का विस्मरण और संपूर्ण संसार का अपने भगवान में ही दर्शन. दिस इज एवरीथिंग फॉर मी. मैं दिन भर की बात नहीं कर रहा हूं. आपको पूजा में एक घंटा लगता होगा, डेढ़ घंटा लगता होगा, ध्यान में कुछ समय लगता होगा, जो भी होगा, साधन के समय संसार का त्याग. कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है. त्याग के एकदम पागलपन है. भगवद गीता ने कहीं पर भी घर छोड़ने की बात नहीं कही, अपनी दुकानदारी छोड़ने की बात नहीं कही, अपना कर्तव्य छोड़ने की बात गीता की शिक्षा के विरोध में है. ये सब नहीं है, ये सब हमारे मन का फुसलाहन है. स्थलांतर करने से समस्या का समाधान होगा? ये होगा ही नहीं. वृत्तांतर करने से समस्या का समाधान होगा? वेश को बदलने की आवश्यकता नहीं है, विचारों को बदलने की आवश्यकता है. इसलिए जो घंटा डेढ़ घंटा अपना साधन का है, उसमें संसार से कट ऑफ ही हो जाना, उतने ही समय के लिए. देखो, साधन प्रक्रिया की पूर्णता है इसमें. मैं पहले कहा करता था आधे घंटे का संन्यास ले लो ना, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन संबंधों का हमारे मन में, मन के स्तर पर विच्छेद करने की आवश्यकता है. संन्यास का अर्थ यही है. मी आणि माझे ही आठवण, विसरले दयाचे अंतकरण, पार्था तो संन्यासी जाण निरंतर. दो बातों को छोड़ दिया कि बात सिद्ध हो जाती, मैं शरीर हूं इस भाव का त्याग, और शरीर के कारण जिन्हें मैं अपना मानता हूं वो मेरे है इस भावना का त्याग. फिर मेरा कौन है और मैं किसका हूं? मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान. अनुभव यह करते रहो तज ममता अभिमान. अभिमान का अर्थ मैं शरीर हूं ये भाव, और ममता का अर्थ इस देह के कारण जिन लोगों को मैं अपना मानता हूं उनको, उनमें अपनत्व बुद्धि का भाव त्याग. रोज घंटे दो घंटे के लिए परिवार से डिस्कनेक्ट हो गए और भगवान के साथ जुड़ गए. सर्वभूतानि चात्मनि, बस मेरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है. 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 गोविंद मेरो है, मेरो है गोविंद, मेरो है गोपाल, मेरो है गोविंद, मेरो है गोपाल, मेरो है गोविंद, मेरो है गोपाल, मेरो है. Lala.
गोपाल मेरो है। श्री बा के बिहारी गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बा के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बा के बिहारी नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो है। चौबीस घंटे के लिए जब होगा तब देखेंगे जी। रोज एक घंटा दो घंटा समय निकाल करके इस भावना को दृढ़ करने में क्या आपत्ति है। घर छोड़कर के जाना नहीं है, परिवार छोड़ना नहीं है, केवल इस भावना को अपनाना है और कल्पना के जगत में परिवार से अपना संबंध विच्छेद करना। कुछ बिगड़ने वाला नहीं, शांति तो बहुत मिल जाएगी। एकांत में भगवत आराधना के लिए जब मैं बैठता हूं तो सारे संसार को भगवान में देखूं, यह हो गया एक भाग। अब मैं अपना साधन करके उठा, यहां के संदर्भ की भाषा का उपयोग करना हो तो समाधि अवस्था में योगी का अनुभव यह होता है, जब समाधि पूर्ण हुई और अब वित्थान अवस्था में आया, लोक व्यवहार में आया, और हमारे स्तर पर बात करनी हो तो हम अपने ठाकुर जी की आराधना करने के उपरांत अपने ठाकुर बाड़ी से बाहर आए तब क्या करना चाहिए। ठाकुर जी को वहां बंद बना करके नहीं रखना, जब पूजा घर में रहूं तो संसार को ठाकुर में देखूं, और जैसे ही पूजा घर के बाहर आऊं तो जिस ठाकुर की मैंने ठाकुर बाड़ी में पूजा की उस ठाकुर को सारे संसार में देखूं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति। यह समाधि और उत्थान इन दोनों अवस्थाओं का संतुलन है। यह आराधना और लोक व्यवहार इन दोनों बातों का संतुलन है। तो बताओ भगवान का बिछुड़ना कब हुआ? हुआ ही नहीं। पूजा घर में बैठे तो भी भगवान ही भगवान है, और वहां से बाहर निकले तो सर्वत्र भगवान ही भगवान। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, यही बात। भगवान कहते इसका बहुत बड़ा फल है अर्जुन, कभी भी किसी भी अवस्था में मैं उससे भिन्न हो नहीं सकता। अरे अर्जुन वो मेरे साथ एकाकार हो गया, एक रूप हो गया। तस्याहं न प्रवक्ष न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। दीपक और प्रकाश जैसे एक रूप है, उसी प्रकार वह संत और मैं, हम एक रूप है। हम है तो
वो है वो है तो हमें अर्जुन ने कहा लेकिन ये सारी तुम्हारी बात कितनी भी बढ़िया होने पर भी केशव इस मन को स्थिर करना बहुत कठिन है, हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा हो करके रहता है। अर्जुन ने कहा कैसे? भगवान ने कहा कल सवेरे 9:30 दामोदर लाल जी थर्ड कृपया व्यासपीठ पर आ जावे। 11,000 श्री एवं सौ रोहिणी वसंतराव बेड़ेकर गिरगाव मुंबई। बेड़ेकर जी ये हमारे महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध मसाले वाले श्रीमती रामकुंवर भाई जगदीश प्रसाद जी सोमाणी भीलवाड़ा। सोमाणी जी के बाद में 11,000 श्रीमती ओमवती दिल्ली। दिल्ली ना 5,100 श्री गिरिजी मोहता कोलकाता। गिरिजी मोहता कोलकाता। शोभा जी आओ। गिरिजी मोहता कोलकाता। जय श्री कृष्ण। धर्म संस्थापक गुरुवर की आरती श्री ज्ञानेश्वर की। संस्थापक गुरुवर की आरती श्री ज्ञानेश्वर की। रम्य इंद्रायणी तट विलसे। रम्य इंद्रायणी तट विलसे। सिद्धेश्वर शिवजी नित्य बसे। सिद्धेश्वर शिवजी नित्य बसे। अरंदी क्षेत्र निवासी की आरती श्री ज्ञानेश्वर की। आलंदी क्षेत्र निवासी की आरती श्री ज्ञानेश्वर की। धर्म संस्थापक गुरुवर की आरती श्री ज्ञानेश्वर की। धर्म संस्थापक गुरुवर की आरती श्री ज्ञानेश्वर की। योगमय लीला तनुधारी। योगमय लीला तनुधारी। दिव्य लावण्य सुधा न्यारी। दिव्य लावण्य सुधा न्यारी। सच्चिदानंद सगुण हरि की आरती श्री ज्ञानेश्वर की। आनंद सगुण हरि की आरती श्री ज्ञानेश्वर की। धर्म संस्थापक गुरुवर की आरती श्री ज्ञानेश्वर की। धर्म संस्थापक गुरुवर की आरती श्री ज्ञानेश्वर की। दीपिका सजीवसी चल दे। दीपिका सजीवसी चल दे। पशु भी वेद पाठ कर दे। पशु भी वेद पाठ कर दे। कृपा अद्भुत ऐसी जिसकी आरती श्री ज्ञानेश्वर की। कृपा अद्भुत ऐसी जिसकी
आरती श्री ज्ञानेश्वर की धर्म संस्थापक गुरुवर की आरती श्री ज्ञानेश्वर की धर्म संस्थापक गुरुवर की आरती श्री ज्ञानेश्वर की मोहमय अंधकार हरणे मोहमय अंधकार आरती श्री ज्ञानेश्वर की विश्वचिन्मय स्वरूप हरि का विश्वचिन्मय स्वरूप हरि का बंधुतम भाव रहे सबका